गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणु या पराकण बनते हैं, और ये जो चार लघु बीजाणु या पराकण होते हैं ये हमेशा चतुष्टक के रूप में होते हैं, क्योंकि चार है तो चार वर्ड को क्या बोलते हैं यहाँ पर, चतुष्टक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चारों के जो चतुष्टक होते हैं कि एक विशेष प्रकार की भित्ति के द्वारा, रासायनिक पदार्थ से निर्मित भित्ति के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और उस रासायनिक पदार्थ का नाम है आपका कैलोज। तो ये कैलोज की सहायता से आपस में क्या होते हैं, चतुष्टक के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर आपको ये भित्तियाँ दिखाई दे रही है, एक दो तीन चार, चार कोष्ठ में चारों ये भित्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये जो चारों के चारों ये विशेष प्रकार के कौन से रासायनिक पदार्थ से निर्मित हैं, कैलोज रासायनिक पदार्थ से निर्मित हैं। ठीक है, अब इसी के आगे मैं बात करूँ, अगर लघु बीजाणुओं की व्यवस्था के आधार पर इनके प्रकार कि लघु बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय जो आपके लघु बीजाणु है वो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको तीन लघु बीजाणु तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु चौथा लघु बीजाणु नहीं दिखाई दे रहा। तो कहने का मतलब ये है कि चतुष्फलकीय वे लघु बीजाणु होंगे जिनमें तीन लघु बीजाणु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, परंतु चौथा जो लघु बीजाणु होता है वो इनके पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो ऐसे लघु बीजाणु की स्थिति को हम चतुष्फलकीय कहते हैं, यह द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक की बात करें, ये सामान्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, और इसमें ये चारों जो लघु बीजाणु हैं वो स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। चारों लघु बीजाणु क्या होंगे, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉसित। क्रॉसित की बात करें, क्रॉसित एक विशेष प्रकार का प्लांट होता है, मैग्नोलिया उसके अंतर्गत पाया जाता है। तो मैग्नोलिया में क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से ये स्थिति है, तीन लघु बीजाणु मैंने बनाए हैं, जिसमें दो तो मैंने खड़े बनाए हैं उर्ध्व, और एक को क्षैतिज बनाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो लघु बीजाणु जो होंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखना इधर, एक दूसरे से कितने डिग्री का, एक ने तो इसने बना लिया 90 का, और एक ये इधर बना लिया, एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, और जबकि जो तीसरा होता है वो अनुप्रस्थ रूप से किधर की ओर होता है, नीचे की ओर होता है, और चौथा जो होगा वो इसके पीछे की ओर होगा। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, क्रॉसित लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं। उदाहरण है इसका मैग्नोलिया। चौथा आता है आपका रैखिक। रैखिक का उदाहरण है हेलोफिला। नाम से ही पता चल रहा है कि जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के क्या हो, ऊपर हो, इस तरीके से स्थित हो, दो और फिर ये तीन और ये फिर चार, तो चारों लघु बीजाणु स्थित होंगे, तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाएगी भाई, रैखिक कहलाएगी। उदाहरण कौन है इसका, हेलोफिला उदाहरण है। नेक्स्ट आता है इसका लास्ट टाइप है टी आकार का। टी आकार का उदाहरण है एरिस्टोलोकिया का। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, दो जो लघु बीजाणु होते हैं वो तो अनुप्रस्थ रूप से नीचे की तरफ पाए जाते हैं, और जबकि जो दो लघु बीजाणु होते हैं वो लंबवत रूप से पाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया एरिस्टोलोकिया। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है कि सामान्य रूप से क्या होता है, जब मैंने अभी आपको बताया ये आपस में कैलोज भित्ति के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, सारी की सारी क्या है, ये कैलोज भित्तियाँ हैं, परंतु जब कैलोज भित्ति का स्फुटन होता है, ये हटती हैं, अर्थात जब पराकण बनना होता है, तो पराकण के बनने के टाइम पर क्या होता है कि इसके अंतर्गत अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे आती हैं, तो ये जैसे कैलोज भित्ति है, तो इस कैलोज भित्ति में एक विशेष प्रकार का एंजाइम सक्रिय हो जाता है, कैलेज एंजाइम। और ये यहाँ पर जो कैलेज एंजाइम होता है, ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज भित्ति को क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और कैलेज एंजाइम द्वारा कैलोज भित्ति को तोड़ा जाता है, और जिसके कारण चारों पराग कण क्या हो जाते हैं,
अलग हो जाते हैं। इसमें एक परागकण है जो पीछे की तरफ है, तो चारों के चारों परागकण अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के लिए यहाँ पर मुख्य भूमिका किसकी है, कैलेज एंजाइम की है, जो यहाँ पर क्या करता है, आपकी जो कैलोज भित्ति होती है उसको तोड़ने का कार्य करता है। और जैसे ही ये कैलेज एंजाइम इनको तोड़ देता है, वैसे ही आपके सारे के सारे चारों परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है पराग कोष स्फुटन या प्रस्फुटन, तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पराग कोष स्फुटन का मतलब होता है कि परिपक्व पराग कोष की भित्ति फटने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, पराग कोष स्फुटन कहलाती है। क्या कहलाती है, पराग कोष स्फुटन कहलाती है। अब चूंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस तरीके का एक पराग पुट बनाया था जिसमें 1, 2, 3, 4 इस तरीके के चार पराग पुट बनाए थे। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही पराग कोष परिपक्व हो जाएगा तो पराग कोष की भित्तियाँ फटेगी, और फटकर के उनमें से कौन बाहर निकलेंगे, पराग कण बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो पराग कण बाहर निकलते हैं, तो ये यहाँ पर चारों के चारों क्या हैं, पराग पुट हैं। अब ध्यान देना, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि इसके अंतर्गत एक्जोथीसियम और एंडोथीसियम तो रहेगी, परंतु इसकी जो आपकी टैपिटम और जो मिडल लेयर होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो टैपिटम और मिडल लेयर के समाप्त होने के बाद में इसके अंदर जो भी आपके पराग कण होते हैं, ठीक है, वो आपके विमुक्त हो जाते हैं, और विमुक्त होने के बाद में ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है एक और के पराग पुट, जैसे इसके पराग पुट है, जब इसकी मिडल लेयर और इसकी मिडल लेयर और आपकी कौन सी टैपिटम वाली परत दोनों नष्ट होंगी, तो दोनों के नष्ट होने पर क्या होंगे, एक साइड के दोनों जो पराग पुट होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। ऐसे ही इधर के जो दोनों पराग पुट होंगे वो आपस में मिल जाएंगे और उनमें उपस्थित पराग कण एक साथ जुड़ जाएंगे। समझ गए, तो ये यहाँ पर मिल जाते हैं और ये यहाँ पर मिल जाते हैं। अब जैसे ही इनका पट या सेप्टम ये बीच वाला नष्ट होता है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो अब दोनों पराग पुट एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें मध्य परत व टैपिटम समाप्त होने के बाद एक्जोथीसियम व एंडोथीसियम रह जाती है, और इनमें दोनों ओर के दो पराग पुटों के मध्य का पट या सेप्टम नष्ट हो जाता है। अब दोनों पराग पुट एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, आने के बाद में क्या होगा, अब ये जो आपकी एंडोथीसियम वाली परत है, ये कौन सी परत है, एंडोथीसियम वाली परत। अब इस एंडोथीसियम वाली परत में किसकी कमी होगी, जल की कमी होगी। आपको पता है अल्फा सेलुलोज इसमें पाया जाता है, अब जल की कमी होगी तो इसकी भित्ति में क्या होगा, खिंचाव होगा, तो बाहरी भित्ति पर भी दबाव डालेगी, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो भित्ति है वो वहाँ से स्फुटित हो जाएगी, और स्फुटित होने के जस्ट बाद ही इसमें से क्या होंगे, पराग कण बाहर निकल जाते हैं, और पराग कण बाहर निकलने की प्रक्रिया आपकी संपन्न हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे बताई है कि अंत में एंडोथीसियम में जल की कमी से भित्ति की कोशिका में खिंचाव होता है, वह एक जो एंडोथीसियम के नष्ट होने से पराग कण बाहर निकल जाते हैं। सेम यही प्रोसेस दोनों साइड से होगा, इधर से भी बाहर निकल जाएंगे। अब अलग अलग प्लांट्स के अंतर्गत पराग कोष स्फुटन की प्रक्रिया अलग अलग संपन्न होती है। जैसे अनुप्रस्थ स्फुटन की बात करें तो ये तुलसी में संपन्न होती है। अनुप्रस्थ आपको पता है कि जैसे ये पराग कोष है, इस पराग कोष के अक्ष में इसमें स्फुटन की प्रक्रिया ऐसे संपन्न होगी, तो ये आपका अनुप्रस्थ हो गया, तो ये इस तरीके का स्फुटन पाया जाता है तुलसी में। लंबवत का मतलब होता है जैसे ये आपका पराग कोष है, तो पराग कोष के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर है, और इसमें जो आपके स्फुटन की प्रक्रिया होगी वो लंबवत होगी, अर्थात इस तरीके से होगी, ठीक है। जबकि छिद्र में, ये उदाहरण है इसका धतूरा और कपास, जबकि छिद्रमय की बात करें तो छिद्रमय के अंतर्गत क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ
विशेष प्रकार के आपकी छिद्र रूपी क्या हो जाती है, संरचना बन जाती है, और उसके कारण क्या होता है, इसमें पराग कोष स्फुटन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे उदाहरण है इसका मकोई आती है, उसमें ऊपर छिद्र रूपी संरचना होती है, तो इस छिद्र से क्या बाहर निकलते हैं, आपके पराकण बाहर निकलते हैं। जबकि कुछ होते हैं आपके कपाटीय की बात करें तो जिनमें सेप्टम या पट रूपी आंतरिक संरचनाएँ पाई जाती है, इस तरीके के कपाट बन जाते हैं जिनके अंतर्गत, तो उन कपाटों के स्फुटित होने की वजह से एक कपाट स्फुटित होगा, इधर से बाहर निकलेंगे, दूसरा होगा इधर से, इस तरीके से, तो यह आपका कपाटीय स्फुटन कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा आपका बारबेरी। ठीक है, थैंक्स।